अब हम बात करेंगे कुंडली में मजबूत विश्वास रखने वाले साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर ग्रीनस्टोन लोबो से। ये पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटी रिलेटेड इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं। इनके कई डॉक्यूमेंटेड प्रेडिक्शंस सच भी हुए हैं। लीडिंग न्यूज़पेपर्स के लिए ये कॉलम्स लिखते हैं और अब तक इनके दो बुक्स पब्लिश हो चुके हैं। तो आपका 2024 आपका कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। मैं हूं ग्रीनस्टोन लोबो, मैं एक साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हूं। इसमें कोई रिलीजियस कॉनोटेशन जो है इसमें लेकर नहीं आते हैं, साइंटिफिक तरीके से हम करते हैं। मतलब हम सिर्फ 6 ग्रह की बात नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 6 ग्रह की बात किया जाता है, 9 ग्रह बोलते हैं, लेकिन सूर्य, चंद्र और राहु केतु ग्रह नहीं होता। तो उसके अलावा जो प्लैनेट्स जैसे कि यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो और 4 और ग्रह हैं जिसको मैं कहता हूँ प्लैनेट एक्स, वाई और जेड और खाइरॉन, ये सारे के सारे मतलब 12 राशियों के लिए 12 ग्रह मानकर हम जो चलते हैं, जो जिस तरीके का जो एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं उसे हम कहते हैं साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका 2024 कैसा होगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग इसे हम राशि के हिसाब से जो करने वाले नहीं है। चंद्र राशि मतलब क्या होता है, ये हर 2.5 दिन में एक बार चेंज होता है। तो चंद्र के हिसाब से आप करेंगे तो थोड़ा सा उसका ठीक ठाक उसका एक्यूरेसी बैठता है। अगर आप सूर्य के हिसाब से करते हैं तो वो मंथली एक बार, यानी सूर्य जो है वो हर राशि बदलता है, हर महीने में एक बार, वो तो बहुत ही इनकम्प्लीट हो सकता है। लेकिन अगर आपको एक सही तरीके से एस्ट्रोलॉजी करना है, आपको सही तरीके से जानना है कि आपका साल कैसे रहने वाला है, तो उसे आपको अपने लग्न के हिसाब से देखना चाहिए। तो ये आपको कैसे पता करें कि आपका लग्न क्या है? लग्न का मतलब क्या है? लग्न यानी एसेंडेंट, मतलब जब आपका जन्म हुआ था तो पहला जो राशि जो उभर के आता है वो है लग्न। तो ये आप पता कैसे कर सकते हैं, आपको मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आप एक वेबसाइट पर जाइए greenstonelobo.com, greenstonelobo.com में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, आपको दिखेगा एक फ्री हॉरोस्कोप। ओके, वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप जाके अपना बर्थ डिटेल्स लिखिए। देखो, अगर आपके पास आपका समय होगा, जन्म का समय होगा, तो ही जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसका काम में आएगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से काम नहीं चलेगा। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया, फिर आपने अपने समय लिख दिया और अपना जगह जहाँ पर जन्म हुआ आपने लिख दिया, फिर आप क्लिक करोगे तो आपका जन्म पत्र खुलेगा। तो उसमें आप देखोगे एसेंडेंट, एक एसेंडेंट करके लिखा होगा, एसेंडेंट यानी कि आपका लग्न, उसके सामने लिखा होगा कोई राशि का नाम। तो जो राशि का नाम जो है वो आपका लग्न है। एक बार आपने अपना लग्न पता कर लिया तो आपको सुनना है मैं जो भी आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपका जो प्लैनेट जेड जो है, प्लैनेट जेड ये आपका 5वें स्थान का ग्रह है, वो वीक हुआ है 4थे स्थान पर। 5 का ग्रह 4 में वीक बैठा हुआ है। 5 मतलब क्या होता है, फैमिली, 5 इज बेसिकली कनेक्टेड टू चिल्ड्रन, 4th हाउस इज कनेक्टेड टू फैमिली। अगर 5 का लॉर्ड 4 में वीक हुआ है तो देन फैमिली का कनेक्टेड, खास करके बच्चों का कनेक्टेड कोई इश्यू जो है ये होने के संभावनाएं बहुत होता है। या अगर हम घर की बात करेंगे तो घर का वातावरण में कोई तकलीफ है। घर मतलब क्या होता है, इवन घर जो आप बना रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कोई उसमें कोई इश्यू होता है, आपने किसी में इंस्टॉलमेंट दे दिया, पहला डाउन पेमेंट कर दिया, तो बहुत केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे करने के लिए। हो सकता है कि आपके घर के जो लोग हैं, जैसे कि खास करके अगर घर हम बात करेंगे तो हम जहां पर हमारा जन्म हुआ था वो घर होता है, वो घर यानी कि कौन है, माता पिता, तो वहां पर उनमें से वहां पर किसी का कोई ना कोई चैलेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। तो बेसिकली चाइल्ड, मदर, फैमिली, यू नो दीज आर द एरियाज विच कैन बी इम्पैक्टेड, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो ग्रह जो है आपका जो वीक है वो है शनि। शनि आपका 10वें स्थान का जो स्वामी जो है वो 11वें वीक बैठे हुए हैं। 10 यानी कि करियर, 11 यानी कि लाभ, मतलब करियर में लाभ होने में तकलीफ। ओके, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आप देखे होंगे कि पिछला एक साल जो है कि थोड़ा सा मंदा रहा है, उतना अच्छा नहीं हुआ है। ओके, मंदी चल रहा था, तो ये अभी भी थोड़ा सा वैसे ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट, जस्ट ये साल को बीतने दो। वो शनि थोड़ा वीक है तो वो अपना काम करेगा, तो उसको बीतने दो, चलने दो उसको। सो डोंट वरी टू मच अबाउट योर करियर, इट कैन बी अ बिट स्टैग्नेंट बट डोंट वरी। ओके, देन अब हम बात कर रहे हैं आपका 9th हाउस पे एक प्लैनेट वाई जो है वो वीक बैठा हुआ है। अब इससे क्या होगा, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं,
स्टूडेंट जो एजुकेशन, अगर आपका उम्र यू नो 20 से कम है, 21 से कम है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ओके कुछ कुछ लोगों को पढ़ाई तो थोड़ा लंबा भी चलता है, PhD कर रहे हैं ना वगैरह, तो ये आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस बनेगा, ये इट विल नॉट बी इजी, आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे या एग्जाम देते वक्त आपको तकलीफ हो सकता है। आप अगर खास करके अगर आप कोई फॉरेन कंट्री का कनेक्टेड कुछ काम करना चाहते हैं, इफ़ यू वीज़ा जो 9,000 मीन्स ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल के कनेक्टेड जितने भी, सी बिफोर यू ट्रैवल बी केयरफुल इन दिस ईयर, यू नो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ अ इरिटेशन दैट विल कम, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन कुछ ना कुछ इरिटेशन आ सकता है आपको, यू नो आपको वीज़ा नहीं मिला, ट्रैवल के टिकट्स नहीं मिले, आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर आप गए पहुँच गए तो पता चला कि वो रूम या जो भी है आपका वो बराबर नहीं है, यू नो ऑल दोज इरिटेशन एंड चैलेंजेस कनेक्टेड टू ट्रैवल एंड एजुकेशन। ओके खास करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहे हैं, आप लोगों को इस साल में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, हर प्रिपरेशन जो है आपका एकदम बारीकी तरीके से नोट करके आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। ओके तो ये है आपका जो मेजर जो नेगेटिव प्लैनेट जो है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग देखते हैं पॉजिटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूरेनस के बारे में। यूरेनस जो है ये आपका लग्न में बहुत ही पावरफुल है पहले 6 महीनों के लिए, आई मीन ऑलमोस्ट पूरा साल में पावरफुल ही है। तो यूरेनस अगर लग्न में 11th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, स्ट्रांग पोजिशन पर है, अगर आपका यूरेनस पावरफुल है तो आपका लाभस्थान का जो ग्रह जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस मतलब पर्सनैलिटी, एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना अपने दम पे मैं जो भी काम कर सकता हूँ उसको इंडिकेट करता है वो। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या आप कोई कहीं सेल्स कर रहे हैं, कहीं ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पर आप अपना टॉप लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल्स लेकर आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर है, तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपका यूरेनस जो है वो नेगेटिव है, सो बी वेरी केयरफुल, आपका जो इस साल जो है कहीं ना कहीं वो लॉस में जा सकता है, आप जितने भी पैसे डाल रहे हैं। जब आप सोचिए कि मतलब आपका शनि भी वीक है और आपका अगर यूरेनस भी वीक है तो मतलब आपको बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल तो नहीं मिलेगा, उल्टा ऐसा हो सकता है कि आपका लॉस में भी चला जाए। सो अगर यूरेनस आपका वीक है तो बी वेरी केयरफुल विद एनी न्यू बिजनेसेस, और इवन ओल्ड बिजनेस जो है वो आप मंदा चल रहा है तो उसको रहने दो, आप उसको उसके में तेजी लेकर आने के लिए आपको ज्यादा कुछ करो। दूसरा जो ग्रह जो हम लोग देख रहे हैं वो है नेपच्यून। नेपच्यून बहुत ज्यादा पावरफुल है, 12th हाउस में संचारित कर रहा है। 12th हाउस मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी, बट 12th हाउस वेरी इंपॉर्टेंटली इज फॉरेन कंट्रीज। अगर आपका नेपच्यून बहुत पावरफुल है, ये तो वैसे पावरफुल है 2021 से, तो 2021 के बाद में आपका कोई भी इंटरनेशनल कनेक्शन हो रहा है, मतलब देखो आज की तारीख में आपको फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने देश में रहकर भी फॉरेन कंट्री का कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, अगर है तो बहुत बढ़िया है, इट विल कंटिन्यू। अगर आपका नहीं है तो हो सकता है कि एक नया कनेक्शन आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम आपका प्लैनेट वही 9th हाउस में बैठा है, इसका मतलब क्या है, देखो आप फॉरेन कंट्री जा तो पाओगे लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन या कोई ना कोई कुछ ना कुछ अड़चन आ सकता है, बट डोंट वरी, नेपच्यून फिर भी आपको साथ देगा और आपको विदेश लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपका नेपच्यून भी वीक है, देखो आप सोचे कि आपका अगर नेपच्यून रेड कलर में है, देखो रेड सर्कल है या रेड स्क्वायर है इसका चिंता मत करो, रेड कलर फॉन्ट जो है वो अगर रेड फॉन्ट में है तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव है, तो आपको तो फॉरेन कंट्री के बारे में बिल्कुल विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्लैनेट वाई भी वीक है 9th में, 9th हाउस मींस ट्रैवल्स, एंड 12th हाउस में एक वीक प्लैनेट है यूरेनस नेपच्यून, तो इसका मतलब है कि इट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल्ड ट्रैवल, सो नेवर ट्रैवल, डोंट प्लान एनी काइंड ऑफ अ ट्रैवल, स्पेशली डोंट प्लान एन इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आपका नेपच्यून वीक है तो वेरी सिंपल, ट्रैवल के बारे में बहुत केयरफुल रहना। फाइनली अंत में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट दिस प्लैनेट विच इज the most important planet in the universe, and that planet is Pluto. Pluto जो है ये आपका 10वीं स्थान पर है। ओके आप सोचिए कि अगर आपका यूरेनस और प्लूटो दोनों अगर पावरफुल है तो आपका ये साल बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि यूरेनस आपका लग्न में है, लग्न यानी फर्स्ट हाउस एज अ पर्सनैलिटी, एंड 10th हाउस यानी करियर के स्थान पर प्लूटो बैठा हुआ है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। ओके आपको ब्रेड के साथ जैम और उसके ऊपर क्रीम भी मिल गया, मलाई भी मिल गया, इट्स लाइक ब्यूटिफुल वंडरफुल, यू विल हैव अ ग्रेट करियर, ये साल अच्छा जाएगा, वैसे भी मतलब मार्केट्स आर लुकिंग अप, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो फैंटास्टिकली वेल फॉर यू फॉर करियर इन दिस ईयर। लेकिन अगर आपका प्लूटो अगर वीक है और वो 10th हाउस में बैठा हुआ, 10वीं स्थान पर बैठा हुआ, 10वीं स्थान यानी करियर का स्थान है, ये हम सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट की बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट प्लूटो 10th हाउस में वीक बैठा है, तो ये तो वीक है सन 2020 से, तो तब से ही आपको कोई ना कोई अड़चन, प्रॉब्लम, इश्यू चल ही रहे हैं करियर में, और आपका हो सकता है कि आपका मेजर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे आपके करियर में पिछले 2-3 साल में,
तो ये जो पंगा जो चल रहा है ना आपका करियर में, जो वातावरण है जो ठीक नहीं है, जो प्रॉपर है, यू नो नहीं है, तो वो थोड़ा ऐसे ही चलता रहेगा। आपको अपने जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई पंगा नहीं लेना है किसी के साथ। अपने बॉसेस के साथ अच्छे रहिए आप, अपने को वर्कर के साथ अच्छे रहिए आप। ओके, जस्ट मैनेज योर रिलेशनशिप एट वर्क प्लेस वेरी वेल, नहीं तो थोड़ा सा आपको अड़चन या प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो कोई भी साल जो है ये वो एकदम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप अगर यूरेनस एंड प्लूटो अगर आपका पावरफुल है तो फिर तो आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन जो भी मैंने आपको जो वीकर जो बॉडीज हैं उसके बारे में बात कर लिया मैंने, उसको थोड़ा सा ध्यान रख लिएगा एंड दिस कैन ईयर कैन बी अ वेरी गुड ईयर फॉर। हम अब बात करने वाले हैं ऋषभ राशि के लग्न के बारे में। तो सबसे पहला जो वीक प्लैनेट जो है ये आपका है प्लैनेट जेड, जो आपका तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ओके, या और दूसरा जो प्लैनेट मैं जो देख रहा हूं वो है प्लैनेट वाई, जो आपका आठवीं स्थान पर बैठा हुआ है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है जो मैं जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। देखो ये जो साल जो है ना ये आपके लिए, और तीसरा है एक और इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और वो है शनि, जो आपका टेंथ हाउस में यानी दसवें स्थान पर बैठा हुआ है। तीन ग्रह हैं और तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में बैठे हुए हैं, तो ये साल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहने वाला है, जरा ध्यान से सुनेगा। तीसरा स्थान जो है वो माइंड का स्थान होता है। आप पिछले एक साल से जितने भी ऋषभ लग्न के जो लोग हैं मैं देखते आ रहा हूँ, मतलब बहुत काफ़ी सारे वो सेलिब्रिटीज हों या कॉमन मैन हो, मैं देखते आ रहा हूँ कि पिछले एक साल से काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है, क्योंकि ये प्लैनेट जेड पिछले एक डेढ़ साल से आया हुआ है और आपके तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और ये चौथे स्थान का स्वामी है। चौथा स्थान यानी क्या होता है, फैमिली। फैमिली यानी होम, घर, बीवी बच्चे। बीवी बच्चों से ज़्यादा एक्चुअली पेरेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, मतलब पेरेंट्स का जो घर है, जैसे कि माँ पिता भाई बहन। ओके, तो जिस घर में आपका जन्म हुआ था उस घर के जो लोग हैं उन लोगों के साथ में कोई ना कोई तकलीफ हो रहा होगा और वो आपके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। और अगर हम चौथे स्थान का जो ग्रह वीक है बोल रहे हैं तो क्या होगा, ये भी इंडिकेट करता है कि रियल एस्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी जो है उसका भी एरिया है वहां पर भी। तो इसके कनेक्टेड स्ट्रेस, मतलब बहुत मेंटल स्ट्रेस, मतलब आप मेंटली आप काफी स्ट्रेसफुल रहेंगे। और एक और बात क्या है कि आपका शनि जो है ना वो दसवीं स्थान पर वीक है। दसवीं स्थान यानी करियर का स्थान। अगर शनि दसवीं स्थान पर बैठा है, करियर के स्थान पर बैठा है, तो करियर तो एकदम फटाफट दौड़ने वाला नहीं है, स्लो जाने वाला है, तो एकदम धीमी गति से चलेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यार मेरा ऑर्डर जल्दी आ जाए, मेरे बिजनेस जल्दी भागे, मेरा यू नो सेल ज़्यादा हो। इट मे नॉट गो एज फास्ट एज यू वॉन्टेड टू गो, इट विल बी वेरी स्लो। ओके, तो ऋषभ लग्न के लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन विद यू रिक्वायर इट। ओके, तो जो प्लैनेट जो पॉजिटिव है, खास करके अगर आपको कैसे पता चलेगा आपका प्लैनेट पॉजिटिव है, आप अगर अपना चार्ट उठा के देखेंगे तो मैं जिस ग्रह की बात करने वाला हूँ, अगर वो ग्रह ग्रीन कलर फॉन्ट में है तो वो पॉजिटिव है, अगर वो रेड कलर फॉन्ट में है तो वो नेगेटिव है। तो हम यूरेनस की बात करते हैं। यूरेनस आपका दसवीं स्थान का ग्रह जो है वो 12 में बैठा हुआ है। अगर मान लो कि आपका ग्रह पॉजिटिव है, यूरेनस पॉजिटिव है, तो आपका कोई फॉरिन कंट्री का कनेक्टेड जो चीज़ जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होगा, खास करके अगर करियर का कनेक्शन है तो। अगर करियर का कोई कनेक्शन नहीं है तो भी हो सकता है कि आप फॉरिन कंट्री जा सकते हैं। यू विल गो फॉर ट्रैवल, सो यू कैन ट्रैवल, यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन मूव अब्रॉड, देयर विल बी लॉट ऑफ फॉरिन कंट्री विजिट्स। तो आपका इंटरनेशनल कनेक्शन जो है ये ज़्यादा रहने का संभावना है इस साल में बन रहा है। अगर मान लो कि आप बिजनेस में हैं तो आपको विदेश में से कोई बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो आप इस बात पर जरा ध्यान से रखिएगा कि 12th हाउस कैन ऑल्सो मीन लॉसेस। अगर आपका यूरेनस खास करके रेड में है, रेड कलर फॉन्ट में है, तो हो सकता है कि पिछले 5-6 साल से आपका बिजनेस जो है वो बराबर नहीं चल रहा हो, तो इस साल भी उतना अच्छा नहीं चलेगा। तो आप अगर हो सके तो आप अपना बिजनेस में से जितने भी एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहा है उसको कट डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको बंद ही कर दीजिए आप, क्योंकि 12th हाउस यानी लॉसेस, बहुत ज़्यादा लॉस उठाने से अच्छा एक चीज़ को बंद कर दें वो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लो कि नेपट्यून आपका 11 में है और नेपट्यून पावरफुल है और यूरेनस भी आप मान लो कि 12th में है और वो पावरफुल है, तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है फॉरेन कंट्री का कनेक्टेड कोई बिजनेस में लाभ। यानी यूरेनस आपको फॉरेन कंट्री का कुछ पॉजिटिव चीज़ देगा और नेपट्यून जो 11 में बैठा है आपको लाभ देगा, फॉरेन प्लस लाभ, यानी कि विदेश से लाभ। अंत में हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में। प्लूटो आपका 9th हाउस में बैठा है, 7वें स्थान का ग्रह, 9 में है,
अगर आप कोई लॉयर हैं, लीगल कोई मामला है, गवर्नमेंट का कोई काम करते हैं, आप कोई शोबिज टीवी मीडिया या एंटरटेनमेंट का काम करते हैं, आप कोई ट्रैवल्स का काम करते हैं, तो ये साल बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए, क्योंकि नेपच्यून आपका प्लूटो जो है बहुत पावरफुल है, 9th हाउस में बैठा है। आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने आइडियाज से, अपने नॉलेज से, ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अगर आपका प्लूटो वीक है तो 7वीं स्थान जो है ये शादी का स्थान होता है और वो ग्रह वीक है 9th हाउस में, 9th हाउस यानी लॉ। अगर आपका शादी जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा है तो इस साल बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आपका प्लूटो अगर वीक है तो आपका मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ में इवन वो लीगल तक भी, लीगल ट्रबल तक भी वो पहुंच सकता है। तो ये है ऋषभ लग्न के जो लोग हैं उन लोगों के लिए इस साल कैसा होगा, और मैं आप लोगों को ग्रीन स्टोन लोगो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर आपके लिए बहुत वेल विशेस देता हूँ इस साल आपको अच्छा रहने के लिए। ऑलवेज फॉलो द प्लैनेट्स एंड टॉरियंस के लिए आपको तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, डू प्राणायाम एंड मेडिटेशन एंड दिस ईयर शुड बी गुड फॉर यू। ओके, लग्न आपका मिथुन है तो इस साल आपका कैसा होगा ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो शनि जो है वो वीक है 9th हाउस में, प्लैनेट जेड जो है वो वीक है 2nd हाउस में, और प्लैनेट वाई जो है वो वीक है आपका 7वीं स्थान पर। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा जो इस साल का जो रहने वाला है वो ये है कि आपका 4th स्थान का जो प्लैनेट वाई जो है वो वीक है आपके 7वीं स्थान पर। 7 यानी कि शादी, मैरिज, मैरिटल लाइफ, रिलेशनशिप। 4 मतलब क्या है, घर। तो बेसिकली इस साल में बहुत ज्यादा फोकस, चैलेंजिंग फोकस जो है वो रहने वाला है आपका रिश्तों के ऊपर। रिश्ता मतलब क्या होता है, रिश्ता यानी कि घर। ठीक, घर में भी नाम है सबसे इंपॉर्टेंट। अभी आप लोगों का है 7वीं स्थान, 7 यानी कि क्या है, मैरिज का स्थान या पार्टनरशिप का स्थान। पार्टनरशिप में सबसे खास पार्टनरशिप क्या होता है, हमारा जो स्पाउस, तो वाइफ और हस्बैंड। सो यहीं पर सबसे ज्यादा तकलीफ आने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि 7वीं स्थान में एक बहुत ही वीक प्लैनेट बैठा हुआ है। तो हो सकता है कि मतलब आपको अपने पति के साथ या पत्नी के साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इश्यू है, जो पिछले कुछ सालों से वो धीरे 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 वो बनते आ रहा है, लेकिन अब वो बड़ा बम होके फट सकता है। और अगर वो नहीं है, सबसे खास अगर आपका पार्टनर जो है वो स्पाउस हो सकता है, अगर वो नहीं है तो फिर ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। तो हो सकता है कि आपने किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं कुछ महीनों से, सालों से, लेकिन ये जो साल जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रबल सम हो सकता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप का घर जो है वहां पर एक बहुत ही वीक प्लैनेट बैठा हुआ। देखो कभी कभी इसका असर ऐसा भी हो सकता है कि ये 4th स्थान का ग्रह है, 4 यानी कि क्या है, माँ या पिता का घर, यानी कि फैमिली का प्लैनेट जो है वो रिश्तों का घर में वीक है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका कोई मदर इन लॉ, कोई इन लॉ, कोई मामा या कोई चाचा या कोई और, या कभी कभी घर में ही मम्मी की वजह से, मम्मी का आपकी बीवी के साथ बन नहीं रही है, या यू नो इस तरीके से कोई क्रॉस रिलेशनशिप, रिश्तों के जो अनबन जो है उसके वजह से भी आपका घर में तकलीफ हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे पॉजिटिव ग्रह के बारे में। तो पॉजिटिव ग्रह क्या है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्रह जो है आपका पॉजिटिव है कि नहीं है, आपको देखना पड़ेगा यूरेनस को, वो ग्रीन कलर में है आपकी कुंडली में तो वो पॉजिटिव है, अगर आपका वो रेड कलर में है तो वो नेगेटिव है। ओके, अगर तो ये देखना पड़ेगा आपको, ये यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तीन प्लैनेट की बात कर रहा हूं। अगर आपका यूरेनस पॉजिटिव है तो वो आपका 11वें स्थान में बैठा है, ओके, और नेपच्यून भी पॉजिटिव है तो आपका 10वें स्थान पर बैठा है, और प्लूटो पॉजिटिव है तो आपके 8वें स्थान पर बैठा है। ओके, तीनों पॉजिटिव होना बहुत थोड़ा रेयर होता है, तो मैं आपको वो सिर्फ 1981 के जो लोग हैं उनका कुंडली में था, अदरवाइज बाकी लोगों का कुछ ना कुछ तो ग्रह वीक होगा। हम लोग एक एक करके देखते हैं। यूरेनस 11 में बैठा है, तो अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हैं या आप बिजनेस लेकर आने के काम करते हैं या आप फाइनेंस का काम करते हैं तो ये साल आपका बहुत अच्छा होगा अगर आपका यूरेनस पॉजिटिव है तो। और अगर आपका नेपच्यून जो है वो आपका 10वें स्थान पर बैठा हुआ है एंड वो पावरफुल है तो यू विल हैव अ फैंटास्टिक ईयर। खास करके आपका करियर में, आप अगर मान लो कि आप मीडिया, एंटरटेनमेंट, शोबिज, ब्यूटी, फैशन,
इसका कनेक्टेड कोई भी काम कर रहे हो तो यू विल हैव अ फैंटास्टिक ईयर। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां पर आपका इंटेलिजेंस या नॉलेज जो है उसका बहुत महत्व है, जैसे कि आप कोई लॉयर हैं या कोई एडवाइजर है, कंसल्टेंट है, टीचर है, कोच है, गाइड है, तो आपका ईयर बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। यू गोना मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट, अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। ओके, प्लूटो जो है ये आपका आठवीं स्थान पर है, 8th हाउस में है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अदर पीपल्स मनी। ओके, एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। अगर आप प्लूटो स्ट्रांग व्यक्ति हैं और अगर आपका इसका कोई बैकग्राउंड है, फाइनेंस या टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो आपका ये साल जबरदस्त होने वाला है। यू आर गोइंग टू डू सम पाथ ब्रेकिंग वर्क, सम रेवोल्यूशनरी वर्क, सम वर्क विच विल कंप्लीटली ऑल्टर द सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। ऐसा कोई काम करेंगे आप, अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम में है तो जबरदस्त होगा। अगर आप कोई नया घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या नया लैंड खरीद के उसके ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी अच्छा हो सकता है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर अगर आपका प्लूटो पावरफुल है तो। ओके, तो प्लूटो पावरफुल है तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स करियर के मामले में, लेकिन अगर आपका वीक है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए आपका हेल्थ के मामले में। ओके, तो ये रहा मिथुन लग्न के बारे में। तो मिथुन लग्न के जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों को अपने शुभकामनाएं देता हूँ, मैं आप लोगों को बेस्ट विशेष देता हूँ कि ये साल आपका शुभ रहे और आप सारे के सारे जितने भी चैलेंजेस है उसको बीट करके आगे बढ़े। तो सबसे पहले वीकर बॉडीज, वीक प्लैनेट जो है ये आपका लग्न में है, प्लैनेट जेड 6वें स्थान पर है, प्लैनेट वाई और शनि जो है ये आपका 8वें स्थान पर है। तो ये है आपके 3 वीक प्लैनेट। इससे क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूं। मतलब ये जो साल है ना 2024 जो है ये कंप्लीटली फोकस्ड है नेगेटिव की अगर हम बात करेंगे तो, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर हेल्थ। ओके, और शनि जो है ये आपका 7वें स्थान का ग्रह है जो 8 में बैठा है, तो कभी कभी क्या है कि इट इज ऑल्सो अबाउट समबडीज हेल्थ, मतलब आपके जो करीबी जो लोग हैं उनका भी हेल्थ। मतलब इस साल में आपका नेगेटिव में एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, वो है हेल्थ। अच्छा, हेल्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो प्लैनेट वाइज जो वीक हुआ है ये आपका 3rd स्थान का ग्रह है। 3rd स्थान यानी कि क्या है, मेंटल हेल्थ। सो इन दिस ईयर द फोकस कंप्लीटली, अगर हम चैलेंजिंग प्लैनेट्स की बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपको कोई ना कोई बॉडी का इश्यू हो सकता है जिसके वजह से You will go through some stress, okay? या हो सकता है कि आपके घर में जो लोग हैं उनमें से किसी को कोई somebody is going through health issue, जिसके वजह से you will go through some stress, okay? और या generally अगर आप 6th house की बात करेंगे तो it is about the domestic life. Domestic life मतलब क्या है, घर। एक खास करके ना ladies की बात करेंगे तो घर में बहुत सारा उनका responsibility होता है, मतलब बच्चे को भी देखो, husband को you know उनको office भेजने से पहले prepare करो, फिर वो घर में जितने भी मेड सर्वेंट वगैरह जो है उनके पीछे लग जाओ, घर में कुछ काम चल रहा है तो उसको ठीक करने में लग जाओ। तो ये डोमेस्टिक इश्यू जो है ना ये बहुत कुछ हो सकता है। इफ दिस एंटायर ईयर फॉर कैंसर एसेंडेंट इज ऑल अबाउट द डोमेस्टिक इश्यूज एंड द स्ट्रेस कनेक्टेड टू डोमेस्टिसिटी और समथिंग टू डू विद द हेल्थ, इट कैन बी योर ओन हेल्थ और इट कैन बी समबडी एल्सेस हेल्थ, somebody who is inside your home. तो ये हो गया आपके negative planets के बारे में। Let's now talk about the positive planets. अगर आपका career जो है वो या तो technology के connected है या finance के connected है और आपका Uranus अगर powerful है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका Uranus powerful है? आप अगर chart अपना देखेंगे तो वहां पर वो Uranus जो है वो green color के font में है, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है। तो उसे अगर ग्रीन पॉजिटिव है, यूरेनस पॉजिटिव है, तो आप समझ लीजिए कि आपका करियर जो है इज गोइंग टू बी वेरी गुड इस साल। मतलब घर में प्रॉब्लम है लेकिन करियर अच्छा चल रहा है, मतलब यू नो इट्स अ अनफॉर्चुनेट थिंग। देखो लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं जाता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरिया में तकलीफ होता ही है। हो सकता है कि आपका घर में प्रमोशन, मतलब आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, जब आप घर वापस जा रहे हैं तो आपकी पत्नी जो है वो आपको यू नो डिवोर्स नोटिस हाथ में दे रही है। यू नो ऐसा होता है लाइफ में, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो ये साल आपका है कि डोमेस्टिक लाइफ इज ट्रबल्ड बट योर करियर इज लुकिंग गुड। सो करियर में यू नो देयर कैन बी अ प्रमोशन। अगर मान लो कि पिछले 2-3 साल से प्रमोशन अटका हुआ है तो इस साल प्रमोशन होने के चांसेस है। अगर आपका यूरेनस वीक है
तो देन यार ये तो डबल वैमी हो गया फिर तो, मतलब घर में भी तकलीफ, करियर में भी तकलीफ, करियर में घर में ऐसे कुछ चेंजेस आएंगे जिसको आप मैनेज करते करते थक जाओगे, आपको मन करेगा कि मतलब ये नौकरी छोड़ के चले जाऊं, तो डोंट लीव, बी यू नो स्टे पुट देयर, क्योंकि यूरेनस जो है वो आखिरी अपने पड़ाव पर है, वो यहाँ से निकल जाएगा कुछ महीनों के बाद, तो देन जस्ट स्टे पुट, ओके, डोंट स्ट्रेच योरसेल्फ टू मच। और अगर आपका नेपच्यून स्ट्रांग है, पावरफुल है और नाइन्थ हाउस में है, तो इट इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक थिंग फॉर यू। नाइन्थ लॉर्ड इन द नाइन्थ हाउस इज एक्सट्रीमली पावरफुल, ओके। अगर आप कोई लॉयर है या आप कोई ऐसा कोई काम करते हैं जो ज्ञान का होता है, ज्ञान मतलब क्या होता है, एनीथिंग टू डू विद टॉकिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, एडवाइजिंग, कंसल्टिंग, कोचिंग, गाइडिंग, इवन राइटिंग, टीचर्स, ओके, एनी नॉलेज बेस्ड या कॉन्टेंट क्रिएशन, ओके, कॉन्टेंट क्रिएशन हैपन्स इन एवरी फील्ड, मैनी फील्ड, ओके। अगर आप कॉन्टेंट क्रिएशन में है, राइटिंग में है, आपके लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है ये, क्योंकि आपका नेपच्यून जो पावरफुल नेपच्यून है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है, यानी लक के स्थान पर बैठा है। और अंत में हम लोग बात करने वाले प्लूटो के बारे में। प्लूटो आपका सातवीं स्थान पर है, सेवंथ हाउस में पांचवीं स्थान का ग्रह साथ में बैठा है, एक फैंटास्टिक पोजिशन है अगर आपका प्लूटो पावरफुल है तो। अगर आपका प्लूटो पावरफुल है तो ये साल आपका पॉपुलैरिटी देने वाला साल होगा। लेकिन अगर आपका प्लूटो वीक है और आप कर्क लग्न के हैं, ये सारे एरिया में प्रॉब्लम है। अगर आप फैशन, ब्यूटी, मीडिया के कनेक्टेड हैं तो आपका इस साल जो है थोड़ा सा तकलीफ होगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आप मान लो कि शादी कर लिए हैं तो शादी में इश्यूज आ सकते हैं, मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम हो सकता है, और आपका अंडरस्टैंडिंग जो है वहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो ये है कर्क लग्न के लोगों के लिए इस साल यानी 2024 कैसा होगा, और मेरे बेस्ट विशेष हैं आप लोगों के साथ में, इस साल को आप फेस करो और बीट करो और आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि मतलब देखो ये साल जो है, इनफैक्ट हर साल में क्या होता है, कोई ना कोई ग्रह जो है वो वीक होता ही है, तो ये जो वीक ग्रह जो है वो अपने काम करेंगे, लेकिन हम लोगों को अपना काम करना पड़ेगा ना, तो हमें क्या करना है, स्ट्रांग बनना है और फाइट करते रहना, ओके, यही जिंदगी है, चलता रहेगा, 2024 भी अपने आप चला जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल एंड हैव अ गुड 2024।